Assalamu alaikum. So this is our third subject of the PPSC preparation. First we have quantum, then solid state, and now it's relativity. So let's start with just a joke. Okay. Someone said to someone ke unke khayal mein ye to relatives ki koi theory hai, but it's not relatives, but it's theory of relativity. So what does it have? It has to offer for us. This is one of the most interesting field of physics nowadays. Modern physics mein isko aap categorize karte hain, aur ye ek bade interestful subject hai. Okay, so we will start with the definition of relative motion. Relative motion kya hai ki ek body ya ek position ke lihaz se दूसरे बॉडी की मोशन को हम रियलिटी मोशन कहते हैं. जैसे एक शख्स रेस्ट पे है और दूसरा शख्स मोशन में है, तो दैट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ रियलिटी मोशन. उसके अलावा दोनों ऑब्जेक्ट्स भी मोशन में हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक बाइक 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, मे बी मेक इट रियलिस्टिक. एक बाइक जो है वो 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रही है, क्योंकि जो स्पीडोमीटर है उसके ऊपर किलोमीटर पर आर की रीडिंग होती है. उसके पास एक बाइक गुजरी है जिसपे 30 किलोमीटर पर आर की रीडिंग नोट है. सो द सेकंड वन और द फर्स्ट वन विल से कि देयर इज अ डिफरेंस और देयर इज अ रिलेटिव स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, 20 किलोमीटर पर आर, सॉरी. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्रेन की एग्जाम्पल है कि एक ट्रेन कैबिन में एक शख्स बैठा हुआ है और उसे एक बाहर से शख्स देख रहा है. तो तीन डिफरेंट दिखाए गए हैं इसमें पोस्टर्स, होपफुली यू आर क्लियर. एक ये है, और एक शख्स बाहर से इसे देख रहा है, तो उसके लिए जो मोशन है वो इस तरह मूव कर रहा है. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियलिटी मोशन. एक जो हम आम क्वेश्चंस करते हैं इस तरह के कि आप इसकी रियलिटी मोशन किस तरह कंसिडर करेंगे कि एक साइकिल है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है और एक कार उसी डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है और एक शख्स इनको ऑब्जर्व कर रहा है. तो शख्स के मुकाबले में कार, साइकिल, और कार के मुकाबले में साइकिल, या साइकिल के मुकाबले में कार, तो ये जब सारे एक दूसरे को देख रहे होंगे, सो दैट्स अ रियलिटी मोशन के हर कोई एक दूसरे को किसी रेफरेंस पॉइंट से देख रहा है. साइकिल गाड़ी को देखेगा अपने रेफरेंस पॉइंट से, गाड़ी साइकिल को देखेगी अपने रेफरेंस पॉइंट से, शख्स इन दोनों को देखेगा अपने रेफरेंस पॉइंट से. सो दिस इज ऑल रियलिटी मोशन. ये है रियलिटी मोशन आर्म स्पीड्स पे. जो मेन चीज यहाँ पे हम एक थ्रेशोल्ड क्रिएट करेंगे और आई वुड से कि आप उसे कैरी करें कि ये जो हमने अभी तक पढ़ा, ये या जो हम क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं, दैट्स ऑल फॉर द स्पीड्स विच आर वेरी 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 लेस देन स्पीड ऑफ लाइट. यानी आप उसे लिख सकते हैं वी लेस देन सी. स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में बहुत कम. स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है स्पीड ऑफ लाइट, जबकि यहाँ पे स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड. ये जो स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, इसको मैं आपको यूं अस्यूम करवा सकता हूँ कि पाकिस्तान का जो रकबा है, द एरिया ऑफ पाकिस्तान, अगर हम उसको हम डिसाइड करें कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो आप यहाँ पे हैं, वहाँ से एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे और वापस अपनी असल जगह पे आ जाएं, अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं, इट विल नॉट टेक यू 10 सेकंड, मे बी लेस देन दैट. तो यहाँ से आप अस्यूम कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी ज्यादा है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड. 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला आप तय कर सकते हैं. और हम जो स्पीड तय करते हैं, जैसे ट्रेन है 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड से मूव कर रही है, अगर आपने लाहौर से कराची जाना है तो इट विल टेक यू अ डे. लेकिन अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं तो पूरे पाकिस्तान का चक्कर में आपको 10 सेकंड लगेंगे. सो दिस इज जस्ट टू make you realize the comparison of the speeds which we have and which we are intended for. जो relativity हम पढ़ते हैं वो तमाम cases हम वो deal कर रहे होते हैं जिसमें speed of light
जो है ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जो कंपेरेबल हो, यानी इक्वल टू ना हो, कंपेरेबल टू सी, जब हम इस केस में होंगे तो तब हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगा रहे होंगे, जो इधर लॉज पढ़ेंगे वो वहां पे अप्लाई होंगे, वहां पे फिर आम फिजिक्स के लॉज अप्लाई नहीं होंगे। फिलहाल हमारे आम फिजिक्स के लॉज ठीक है आम जिंदगी के लिए, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस हैं जो अभी हम डिस्कस भी करेंगे, जहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट है। इससे मुराद क्या हो सकता है कंपेरेबल से, कि जैसे स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, तो 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इज अ कंपेरेबल स्पीड, 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इज अ कंपेरेबल स्पीड टू स्पीड ऑफ लाइट, 0.1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इज अ स्पीड कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। तो इससे भी कम जाएंगे तो वो भी कंपेरेबल है। इट डजंट मीन के 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ही आपकी स्पीड होगी। स्पीड ऑफ लाइट बेसिकली क्या है, 3 × 10 की पावर 8, जिसको आप 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो जब हमारी स्पीड इसके कंपेरेबल है, 2 लाख है, 1 लाख है, आधा लाख है, 0.1 है, उससे भी कम है, तो ये सारी कंपेरेबल काउंट होंगी। लेकिन जो हमारी आम स्पीड्स हैं, जैसे कि 100 किलोमीटर पर आवर है एक ट्रेन की स्पीड, तो इसको किलोमीटर पर सेकंड में करेंगे तो ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं रहेगा। तो इस लिहाज से वो बहुत स्लो स्पीड है, तो उसके लिए आम फिजिक्स काफ़ी है, क्लासिकल फिजिक्स। लेकिन जब स्पीड ऑफ लाइट की बात होगी तो हम क्या करेंगे, रिलेटिविटी के असूल अपनाएंगे। वो कौन से कानून है, वो कैसे मैथ डिवेल्प हुई, इसको अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो यहाँ तक जस्ट मैं इसे ब्रीफ आउट करके नेक्स्ट मूव करता हूँ, कि जो रियलिटी मोशन है वो एक ऑब्जेक्ट की मोशन है दूसरे के मुकाबले में, और वो आम हम जिंदगी में पढ़ते हैं। लेकिन इधर स्पेशल क्या होता है, इधर स्पेशल ये होता है कि वो जो स्पीड रिलेटिव है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल है, नॉट इक्वल, इक्वल तो हो नहीं सकती, इट्स अगेंस्ट द पासुलेट ऑफ रिलेटिविटी, उसके कंपेरेबल है, उसे कम होगी लेकिन उससे कंपेरेबल होगी, उसका 50%, उसका 40%, उसका 30%, उसका 60%, दैट ऑल आर कंपेरेबल, लेकिन जो हमारी स्पीड है वो बहुत कम है। ओके, लेट्स मूव अहेड टू द रियल रिलेटिविटी। सो ये मैं एक एग्जाम्पल आपको पहले समझाऊंगा कि होता ऐसा क्यों है। इट्स ड्यू टू द फिनाइट स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड इनफिनाइट नहीं है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इनफिनाइट होती तो शायद हमें इन चीजों में ना जाना पड़ता। अच्छा ये देखें, एक एस्ट्रोनॉट है, एक क्लॉक है, उस क्लॉक में हम कोई इवेंट काउंट कर रहे हैं, कोई भी लाइट है या कोई भी पार्टिकल है वो स्ट्राइक कर रहा है, इसको हम 1 सेकंड कह देते हैं, कि ऊपर से टकरा के वापस आ रहा है तो 1 सेकंड है, यानी कोई भी हम क्लॉक बना सकते हैं। हमने क्लॉक बनाया है और एस्ट्रोनॉट के पास है, और वो एस्ट्रोनॉट स्पेस में लेट्स को जा रही है, तो उसके अंदर उसके साथ अटैच है। अब दूसरा केस लेते हैं जिसमें क्लॉक उसके अंदर है, लेट इट स्टार्ट अगेन, कैन आई स्टॉप इट हियर, ओके आई थिंक आई कांट, ओके। तो इसमें जो है कुछ सिचुएशन यूं है कि जो एस्ट्रोनॉट या जो एक शख्स है वो अर्थ के ऊपर है, लेकिन क्लॉक स्पेसशिप के अंदर है। अब अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो जब वो नीचे से ऑब्जर्व कर रहा होगा तो उसके लिए जो डिफरेंट इवेंट होगा और उसी के फ्रेम में होगा तो वो डिफरेंट होगा, और वो डिफरेंस किस तरह इन्होंने इस तरह शो किया होगा, लेट सी इट स्लोली। तो दोनों में डिफरेंस है और ये डिफरेंस ही बेसिकली रिलेटिविटी की वजह बनता है। अब मैं इन दोनों को अगेन कंपेयर करूंगा कि एक केस था जिसमें क्लॉक उसके अंदर स्टक था, उसके साथ था, तब तो सिंपल है ना, ऊपर नीचे आप एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि इस केस में नीचे ड्रॉ हुई है। लेकिन जब वो किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है, तो उसके लिए फिर वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, बल्कि वो क्या होगा, एक डायगनल केस होगा और उसमें लेंथ ज्यादा होगी। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ये दोनों डिफरेंट केसेस है। एक केस में वो स्पेसशिप में है, यानी उसका लोकल क्लॉक है, और एक केस में वो ऑब्जर्वर है। तो इसलिए जो हम इवेंट्स ऑब्जर्व करते हैं रिलेटिविस्टिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, वो हमारे लिए डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू आवर ओन लोकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो ये बेसिकली जस्ट एक विजुअलाइजेशन टूल है, इसके साथ कई एग्जाम्पल मौजूद हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, जिसमें वो ट्रेन की एग्जाम्पल देता है, कार की देता है। लेकिन मकसद सिर्फ यही है क्लॉक से समझाना कि फ़र्क क्या है,
फर्क सिर्फ ये है कि हम जब लाइट को ऑब्जर्व करते हैं तो लाइट को भी टाइम लगता है ना टकरा के वापस आने में। जैसे एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि अगर आप सूरज को देखते हैं तो सूरज को देखने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, सो सूरज से आने वाली रोशनी कितना टाइम लेती है, सॉरी, सो दैट टेक्स 8 मिनट 20 सेकेंड्स। ओके, और जस्ट मेक अ करेक्शन इन योर एफएससी बुक, आपकी एफएससी बुक में लिखा हुआ है जो चांद से टाइम लगता है जमीन का, वो आई थिंक 1 मिनट 20 सेकेंड है, लेकिन वो 1 मिनट 20 सेकेंड इट्स जस्ट 1.3 सेकेंड। यू कैन कैलकुलेट योर सेल्फ और उसे आप करेक्ट कर सकते हैं, इनफैक्ट न्यू बुक्स में आई थिंक करेक्ट भी है। तो 1.3 सेकेंड टाइम लगता है चांद से जमीन तक रोशनी पहुंचने में, और 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं सूरज से जमीन तक पहुंचने में। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि लाइट की स्पीड फिनाइट है, लाइट को टाइम लगेगा बाय द फॉर्मूला टी इज इक्वल टू एस ओवर वी। तो जिसकी वजह से जब आप उसे ऑब्जर्व कर रहे होंगे लाइट के लिहाज से फ्रेम को, तो आपकी लाइट को कुछ टाइम लगेगा, उस टाइम के फर्क की वजह से आपकी रिलेटिव मोशन क्रिएट होगी, जिसे हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ डिस्कस करेंगे। ओके, वी विल आंसर द क्वेश्चन टाइम बाय टाइम। ओके, सो फर्स्ट जो सबसे पहले स्पेशल रिलेटिविटी या क्लासिकल रिलेटिविटी का कह सकते हैं वो गैलीलियन रिलेटिविटी थी। गैलीलियन के फॉर्मूलाज यूज होते थे, वो क्या थे कि ये एस और एस प्राइम है, एक इवेंट उसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसको आप कंपेयर करेंगे, अगर मैथमेटिकली, तो ये फॉर्मूलाज है। पहला इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दिस वन, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी। ठीक है, अगर आप इसमें जो ऑब्जर्व करेंगे और इसमें जो फिनोमिना डिस्टेंस था वो बेसिकली इस डिफरेंस के साथ रिलेट हो जाएगा, जो दूसरे कोऑर्डिनेट्स है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम इज एब्सोल्यूट क्वांटिटी इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये जस्ट एक मैथमेटिकल वर्कआउट है जो कि गैलीलियन ने दिया था फॉर रिलेटिविटी, और इसके ऊपर इनिशियली कुछ काम हुआ, लेकिन बाद में इसमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, वो प्रॉब्लम हम अभी डिस्कस करते हैं। सो ये एक प्रिंसिपल था रिलेटिविटी का कि तमाम जो लॉज हैं वो गैलीलियन इनवेरियंट होने चाहिए, इनवेरियंट होने चाहिए क्योंकि उस वक्त गैलीलियन का टाइम था, सो गैलीलियन इनवेरियंट होने चाहिए। इनवेरियंट से क्या मुराद है कि उसके फॉर्मूलाज में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इससे क्या मुराद है ये देखें, अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यूज करें, एफ इज इक्वल टू एम डी पी ओवर डी टी, यानी एफ इज इक्वल टू एम इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप क्या उसे करेंगे कि वैल्यूज दर्ज कर दें गैलीलियन वाली, ये जो फॉर्मूला है, ये जो अभी हमने पीछे पढ़ा ये वाला, और टाइम को एब्सोल्यूट लेंगे, तो आपके बाद वाला फॉर्मूला और पहले वाला फॉर्मूला सेम होगा, उसमें कोई फर्क नहीं होगा, इसे आप प्रूव कर सकते हैं। फिलहाल हमें प्रूव में जाने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए इतना काफी है कि वो इक्वल है, यानी ये फिजिकल लॉ जो है वो गैलीलियन इनवेरियंट है। ये मैं गैलीलियन इनवेरियंट इनवेरियंट होना समझा रहा हूँ कि इनवेरियंट होना क्या, तो इनवेरियंट होना यही है कि आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है वो जो फॉर्मूले की शेप है उसको चेंज ना करे, फॉर्मूले का रिजल्ट जो है वो चेंज ना करे। तो यहां से अब हम पास्टुलेट्स देखते हैं। पास्टुलेट्स क्या है कि तमाम वही जो अभी हमने पढ़ा कि तमाम इनिशियल ऑब्जर्वर इक्विवेलेंट हो, मतलब इनवेरियंट हो। अब गैलीलियन ही मैं वर्ड यूज कर रहा क्योंकि गैलीलियन कहीं पे जाके फंस गया, वो भी हम देखते हैं। और जो दूसरा पास्टुलेट है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज सेम फॉर ऑल इन इनर्शियल सिस्टम, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब ये जो पहला पास्टुलेट है दिस वन, ये गैलीलियो ने पीछे हमने चेक किया कि ये न्यूटन सेकंड लॉ के लिए तो फिट है, ये न्यूटन सेकंड लॉ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इनवेरियंट रहता है। लेकिन जब आप इसे एक और सेट ऑफ इक्वेशंस पे लगाते हैं, जो बड़ी फेमस इक्वेशंस हैं, ये मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, तो मैक्सवेल इक्वेशंस पे जब आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो वो इनवेरियंट नहीं रहता, इनवेरियंसी जो है वो ब्रेक हो जाती है। अब यहाँ पे एक डायलमा था आइंस्टाइन के टाइम में कि ये क्यों है, या इसकी दो वजह हो सकती हैं, या तो ये कि मैक्सवेल इक्वेशंस गलत हैं या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन गलत है, तीसरी वजह तो नहीं हो सकती कोई। तो मैक्सवेल इक्वेशन एक फैक्ट था, इधर से आप वेव इक्वेशन निकाल रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात हुई थी, आपने लाइट को
कंसीडर किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस थ्योरी की बेस पे, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट को इनकरेक्ट करते हुए। ओके जस्ट आई विल रिकमेंड यू थिंक कि आप इस टॉपिक को थोड़ा सा जस्ट पढ़ के आइएगा, यानी देख लीजिएगा, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट नोन एज मोस्ट फेमस, वन ऑफ द फेमस फेल्ड एक्सपेरिमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स। और आपने जस्ट इसकी कंक्लूजन यही थी कि लाइट इज नॉट अ मैकेनिकल वेव, और बाद में फिर मैक्सवेल इक्वेशंस क्यों पे डिस्कशन चल रही थी तो उन्होंने कहा ये भी उसी पे पूरा उतरती थी, सनी एम रेडिएशन। उससे पहले लोगों का यही ख्याल था कि लाइट भी मैकेनिकल वेव है, मीन लाइट नीड्स अ मीडियम टू पास। ओके अब क्या आपके ख्याल में, यानी मैक्सवेल इक्वेशंस को तो नहीं गलत कर सकते थे, सो दे लुक आफ्टर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, के गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कोई मसला है, और उन्हें वो मसला जल्दी ही मिल गया। वो मसला ये था कि रिलेटिविटी एंड साइमल्टेनिटी एक रूल है जिसके मुताबिक दो इवेंट अगर डिफरेंट पॉइंट पे हो रहे हो स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिहाज से तो वो साइमल्टेनियस होने चाहिए, मतलब उनका डिफरेंस ऑफ टाइम जीरो होना चाहिए। लेकिन जब उसे देखा गया प्रॉपरली के कैलकुलस की मदद से, के कैलकुलस बेसिकली स्पेशल रिलेटिविटी की मैथमेटिकल बेस है, तो वो टाइम सेम नहीं थे। सो मकसद जो ये रू ये वाला जो कंसीडर किया गया, ये वाला फैक्ट कि टाइम इज एब्सोल्यूट, ये बेसिकली मिस्टेक की वजह थी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाला पॉइंट। और ये हमें थ्योरी ऑफ साइमल्टेनिटी ने हाईलाइट किया, और मैक्सवेल इक्वेशन की इनवेरियंसी ना होने ने हाईलाइट किया कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कोई मसला है। सो उस मसले को हल किया लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज ने। तो ये आपके मेन फॉर्मूला लॉरेंस के जो है वो रिलेटिविटी में यूज होते हैं, गैलीलियन हिस्टोरिकली इन्वॉल्व है। ज़ाइबर पीपीएससी में इंटरव्यू में क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था स्पेशली कि लॉरेंस और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या फर्क है। सो लिहाजा फॉर द सेक ऑफ हिस्टोरिकल रीजन हमने पहले वो किया, लेकिन जो फॉर्मूलाज आपके यूज होने हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटिविटी में यूज होंगे, क्योंकि वो मैक्सवेल इनवेरियंस देता है और उसके अकॉर्डिंगली आपके जो फॉर्मूलाज हैं वो शेप आउट होते हैं। सो ये फॉर्मूलाज हैं। सो ये पहला वही फॉर्मूला है जो हमने गैलीलियन के लिए पढ़ा, सिर्फ उसमें एक फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है, वो ये गैमा का फैक्टर है। बाकी अगर आप वो रिकॉल करें तो उसमें एक्स प्राइम और बाकी सारी चीजें जो है वो उसी तरह सेम है। ये भी सेम है, ये भी सेम है। अब असल बात उसमें क्या था, टी प्राइम और टी थे, लेकिन यहाँ पे फर्क क्रिएट होता है इसमें, और वो डिफरेंस क्या है कि ये सेम नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि ये इस फॉर्मूले से हम रिलेट करेंगे। ये गैमा फैक्टर क्या है, गैमा बेसिकली 1/(1 - β²) होता है, और बीटा की वैल्यू वी ओवर सी है। तो ये रिलेटिविस्टिक फैक्टर है। तो ये फॉर्मूला जो है हमने कैरी करने हैं, और इसको आप कंपेयर भी कर सकते हैं, ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूलाज हैं जो इधर लिखे हुए इन्होंने, दिस वन, दिस इज गैलीलियन, दिस इज लॉरेंस, और डिफरेंस बेसिकली क्या है, ऊपर वाले में सिर्फ गैमा फैक्टर का पोजीशन का, और टाइम तो उसने वैसे ही एब्सोल्यूट लिया था, इसमें एब्सोल्यूट नहीं है, और इनकी डायमेंशन जो है वो टाइम की होंगी, ये टाइम की डायमेंशन रखता है दिस फैक्टर। और गैमा क्या है, गैमा इज इक्वल टू 1 - β²c², या सम राइट इट एज 1 - β², और बीटा की वैल्यू वी ओवर सी। तो ये सिर्फ फैक्टर आपने जहन में रखने हैं, और आपकी जो फिजिक्स है इसके अकॉर्डिंगली चलेगी। और इसमें उसने एक बड़ी अच्छी डिस्कशन किया कि जब स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में हमारी स्पीड कम हो तो ये फैक्टर जीरो हो जाएगा, ये फैक्टर वन हो जाएगा, और आपका फॉर्मूला वही बन जाएंगे जो के पहले थे। यानी ये चीज वन हो गई तो x - vt, ये चीज वन होगी और इसको सॉल्व करेंगे तो डैश टी प्राइम इज इक्वल टू टी ही आएगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये जरूरी होता है कोई भी न्यू फिजिक्स लॉ के लिए कि वो पुराने लॉ की नफी ना करे, पुराने लॉ को इम्प्रूव करे, और इम्प्रूवमेंट का मकसद ये है कि जब आप एक स्पेशल केस में पुराने लॉ को प्रूव कर सकते हो, तो दिस इज हाउ द साइंस इज डिफरेंट फ्रॉम द पॉलिटिक्स।
नया पॉलिटिशियन आएगा वो पिछले वाले के सारे जो भी इकदाम हैं, सारी जो भी इनिशिएटिव है वो उसको ख़त्म कर देगा कि ये इन्होंने सही नहीं किया। लेकिन जो साइंस में लोग आते हैं नए, वो पुराने की नफ़ी नहीं करते बल्कि उसको इम्प्रूव करते हैं और उस इम्प्रूवमेंट की बात उसको बताते हैं साबित करके कि पुराने वाला गलत नहीं था। जैसे लॉरेंस ने बताया कि ये गलत नहीं है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन मैक्सवेल इक्वेशन के साथ इनवेरिएंट नहीं रहती। तो मकसद इसमें ये नहीं कह सकते गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन गलत है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली लो स्पीड्स के लिए। तो जब आप हाई स्पीड्स पे जाएंगे तो आप लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लगा लें, सिंपल एज दैट। सो दे हैव देयर लिमिट्स बट दे आर नॉट इनकरेक्ट। ओके, सो इस इन इक्वेशंस को जो पोजीशन एक्स प्राइम वाली इक्वेशन है और टी प्राइम वाली इक्वेशन है, इसको मैं दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ जस्ट टू गिव यू रियलाइजेशन हाउ इम्पोर्टेंट दीज टू इक्वेशंस आर। इनफैक्ट ये सिर्फ इक्वेशन ही बीपीएससी के पेपर में आपसे पूछी जा सकती है। इनको अगर आप सोल्व करें तो आप दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को अचीव करते हैं। पहली है टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन बेसिकली ये बताता है कि रिलेटिविस्टिक इवेंट में आपके क्लॉक स्लो हो जाते हैं। अक्सर अगर आप एक ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी फिनोमिना को जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है और एक फिनोमिना जो कि अर्थ पे हो रहा है, तो उस केस में दोनों के टाइम में डिफरेंस होगा और जो मूविंग क्लॉक्स है दैट रन स्लो। तो दिस इज अ वेरी फेमस स्टेटमेंट, मूविंग क्लॉक्स रन स्लो। लेट मी राइट इट हियर, मूविंग क्लॉक्स रन स्लो। सो व्हाट डज इट मीन कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल स्पीड से मूव कर रहे हैं देन जो आपका स्पीड ऑफ लाइट वाला फ्रेम होगा और अर्थ से कोई ऑब्जर्व कर रहा होगा तो उसके लिए टाइम स्लो होगा। देयर इज अ वेरी फेमस मूवी ऑन नीट इंटरस्टेलर, दो ये पैराडॉक्स भी है इन सम कॉन्टेक्स्ट, लेकिन मकसद कहने का कि ये फॉर्मूला है टाइम डिलेशन का। अगर आपको वो प्रॉपर टाइम दे डेल्टा टी नॉट और आपको ऑब्जेक्ट की स्पीड दे दे वी इज इक्वल टू 0.7c, तो इससे आप सॉल्व करके डेल्टा टी निकाल सकते हैं कि उसका टाइम कितना होगा ऑब्जर्वर के मुकाबले में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसको अगर आप पेंडुलम से रिलेट करें, मिसाल के तौर पर एक पेंडुलम अटैच है किसी स्पेसशिप में जो कि स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल मूव कर रही है और उसी पेंडुलम से जमीन पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया, तो बताएं टाइम पीरियड कहाँ पे ज्यादा होगा। तो मूविंग क्लॉक्स रन स्लो, तो ऊपर वाला जो आपका क्लॉक है वो स्लो रन कर रहा है तो टाइम पीरियड उस लिहाज से वेरी करेगा एज कम्पेयर टू अर्थ। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन का आंसर देंगे जो कि शायद आप लोगों के जहन में होगा अगर आपने किताब पहले पढ़ी है, और कि ये टाइम डायलेशन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन ये होती भी है कि बस ऐसे फर्जी बातें हैं। तो ये रियली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसके लिए ये एक एक्सपेरिमेंट या फिनोमिना हम डिस्कस करते हैं कि जो मियोन पार्टिकल है, एलिमेंट्री पार्टिकल है, ये अर्थ पे इसकी शावर होती है ड्यू टू कॉस्मिक रेडिएशन। तो इसको हम जो इसका हाफ लाइफ है उसके हाफ लाइफ के मुताबिक जो जमीन पे इसके काउंट हैं वो सिर्फ 0.3% होने चाहिए। मैं इस डायरेक्ट रिजल्ट पे आता हूँ कि अगर नॉन रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन करें तो उनका जो रिजल्ट है वो 0.3 होना चाहिए। लेकिन जो हमें मिलते हैं वो 0.3 नहीं मिलते, वो 49,000 मिलते हैं। ऐसा क्यों है? और रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन भी यही कहती है कि उसमें काफ़ी सारी, तो इसको अगर मैं थ्योरेटिकली बताऊं कि वो जो पार्टिकल नीचे आ रहा है मियोन जिसे कहा गया है, अब जब वो स्पीड ऑफ लाइट से के मुकाबले में मूव करता है, ये देखें इसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट का 98% है, इससे 98% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो जब स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है तो उसके जो क्लॉक में टाइम डायलेशन है वो आम जो दुनिया के क्लॉक है रेस्ट फ्लेम का जो क्लॉक है उसके मुकाबले में तो टाइम स्लो मूव करेगा, तो जिसकी वजह से उसका हाफ लाइफ जो हमारे ख्याल में 34 माइक्रोसेकंड होना चाहिए वो उसके अपने फ्रेम में जो भी हो लेकिन जब हम जमीन पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो वो 6.8 माइक्रोसेकंड हो जाएगा।
मकसद वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो जिसकी वजह से उसके लिए टाइम जो है वो डायलेट कर देगा, उसके लिए टाइम स्लो मूव करेगा। इसको आप वाकया मिराज के साथ इंटररिलेट कर सकते हैं कि चीज़ों का टाइम जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, चीज़ों का टाइम जो है वो वेरी करता है इन अ डिफरेंट सेंस। ओके, लेट मी जस्ट वाइंड इट अप, क्योंकि ये जैसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आप अंडरस्टैंड कर लें, ये जारी बात है पीपीएससी में तो उससे ऐसे आपसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट कि आपको आइडिया हो कि ये जो जो हम बातें कर रहे हैं ये फर्जी बातें नहीं है, दे हैपन फॉर द गुड कॉज। के मियोन की जो डिटेक्शन है अर्थ की सरफेस पे वो सिर्फ 0.3% होनी चाहिए, लेट मी जस्ट हाईलाइट अगेन, 0.3 होनी चाहिए, लेकिन जो हमें पार्टिकल्स मिलते हैं वो 49,000 मिलते हैं डिटेक्टर पे। डिटेक्टर क्या होता है? ऑब्जर्व करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। और उसकी वजह क्या है कि उसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल है, 98% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट है मियोन की हाफ लाइफ। तो इतनी स्पीड से मूव करने की वजह से जो उसका हाफ लाइफ 34 माइक्रोसेकंड कैलकुलेटेड है रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, वो जब मूव कर रहा होगा तो वो 6.8 माइक्रोसेकंड हो जाएगा। मतलब उसकी हाफ लाइफ जो है उसके मुकाबले में इस तरह वेरी करेगी कि वो ज्यादा टाइम जी सकेगा या ज्यादा टाइम लगेगा उसे एक से दूसरे में कन्वर्ट होते हुए, जिसकी वजह से हमें अर्थ की सरफेस पे 49,000 के नजदीक मियोन सर्वाइव मिल जाएंगे, विच इज अ वेरी ऑथेंटिक प्रूफ कि रिलेटिविटी ही सिर्फ इसकी वजह है जिसकी वजह से इतने ज्यादा सरवाइव कर रहे हैं, अदरवाइज ये उनके लिए पॉसिबल नहीं था। ओके, सेम लाइक टाइम डायरेक्शन, देयर इज वी हैव अ फॉर्मूला फॉर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, कि जब ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करें तो उनकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। लेंथ कॉन्ट्रैक्ट से मुराद है अगर आप 5 सेंटीमीटर की एक स्टिक को एक स्पेसशिप में रख दें और वो स्पेसशिप स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे और उसे अगर आप जमीन से ऑब्जर्व करें तो आपको 5 सेंटीमीटर की नजर नहीं आएगी, वो आपको कम लंबाई की नजर आएगी। और ये चीज सेम यहाँ पे भी मेंशन है पिछली फ्रेम में भी कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से क्या मुराद है कि वो डिस्टेंस उसको डिफरेंट होता है, कि असल डिस्टेंस बेसिकली 10 किलोमीटर था लेकिन रिलेटिविस्टिक फ्रेम की वजह से वो डिस्टेंस उसको 2 किलोमीटर नजर आए, या उसके लिए वो 2 किलोमीटर के इक्वल हो जाएगा। अगेन आई विल से कि वाकया मिराज हम सब जानते हैं और उसमें जो चीज़ें हमने पढ़ी कि जिस आपसे सल्लम वहाँ गए, इसको अभी तक किसी ने इस लिहाज से रिलेट नहीं किया, ना ये उस कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है फिलहाल, क्योंकि अभी तक उस पर कोई, इस पर आप लोग कर सकते हैं इफ़ यू लाइक टू, नो वन विल कंपेल यू, लेकिन सिर्फ मकसद बताने का है कि ये हमारे लिए यानी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी यही कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जब आप वापस आए सल्लम तो उस वक्त इस तरह था कि जैसे टाइम रुक गया था। तो मूविंग क्लॉक्स रन स्लो, कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं तो आपके लिए क्लॉक स्लो हो जाते हैं एज कम्पेयर टू क्लॉक्स ऑन द अर्थ। तो ये उस, अगेन आई विल से इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, लेकिन आप इसको उस कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंडिंग के लिए ले सकते हैं कि यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं। जारी बात एक प्री नॉलेज हो तो चीजें अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है। तो देखिए मियोन बेसिकली यही इस कारण ना कि उसके लिए जो जिंदगी है वो हमारी अर्थ के एटमोसफेयर पर खत्म हो जानी चाहिए, वो हाफ लाइफ करे और कन्वर्ट हो जाए पायोन में। लेकिन जब हम ऑब्जर्व करते हैं रियल टाइम, यानी ये कैलकुलेशन है, जब हम रियल टाइम ऑब्जर्व करते हैं डिटेक्टर में तो हमें 49,000 मियोन्स मिलते हैं। तो ये कहाँ से आते हैं? हालांकि मैथमेटिकली तो वो नहीं उधर पहुंचने चाहिए क्योंकि उनकी हाफ लाइफ ही थोड़ी है। तो वजह यही है कि उसकी स्पीड ऑफ लाइट का 98% है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके लिए टाइम डायलेट हो जाता है। ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है क्योंकि ये टाइम डायलेट हो जाता है और उसके लिए लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कि जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था अर्थ के एटमॉस्फेयर से डिटेक्टर तक, उसके लिए वो 10 किलोमीटर नहीं रहा, उसके लिए तो 2 किलोमीटर रह गया। तो 2 किलोमीटर तो वो जल्दी अटेन कर लेगा एज कम्पेयर टू 10 किलोमीटर। तो दिस इज ऑल अबाउट लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम। हाफ लाइफ उतनी रहेगी, हाफ लाइफ में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हाफ लाइफ को अचीव करने का जो प्रोसेस है वो उसके लिए स्लो हो जाएगा। Hopefully it helps. तो इसमें length contraction का ये formula है, proper length है और ये relativistic length है।
और इसके अकॉर्डिंगली आपने अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है तो सॉल्व करना है कि ये एल नॉट है और ये एल है। तो ये क्वेश्चन आया भी था पीपीएससी में इस दफ़ा, और वो क्वेश्चन ये था कि किस स्पीड पे स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में आपकी जो लेंथ है वो हाफ रह जाती है, इस तरह का कुछ स्टेटमेंट। तो आपने क्या करना था, एल की जगह एल नॉट बाई टू दर्ज कर देना था और उसको सॉल्व करना था, एंड यू विल गेट बी इज इक्वल टू अंडर रूट। इसी तरह क्वेश्चन था कि किस स्पीड में टाइम डबल हो जाता है, यानी दो डिफरेंट क्वेश्चन थे, एक टाइम डायलेशन का था, एक लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का था, लेकिन आंसर दोनों का सेम था, वी इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री बाई टू सी, क्योंकि एक में डबल कर रहा था एक में हाफ कर रहा था। यहाँ पे एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बेसिकली आंसर स्पीड का सेम होगा। तो ये अभी रिसेंट जो पीपीएससी 2022 में होगा इसके ये दो क्वेश्चन है। सो आपके लिए इम्पोर्टेंट स्टफ है, दो मेन यही है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन, बाकी आप इसे आगे कर सकते हैं। इसी तरह मैथ्स में भी वेरिएशन होती है, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ m इज इक्वल टू m नॉट इनटू 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंगली मैथ्स आपका वेरी करेगा। एनर्जी आपको पता है इज इक्वल टू mc स्क्वायर फॉर्मूला है, तो ये बेसिकली इधर से ही निकलता है, ये आगे हम प्रूफ भी देखते हैं इसका। ओके, अब क्वेश्चन वही दोबारा, ये तस्वीर आप पहले भी देख चुके हैं कि एक शख्स एक साइकिल मूव कर रही है एक स्पीड से जो कि स्पीड कंपेयरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट है, एक कार मूव कर रही है विद स्पीड विच इज कंपेयरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, क्या वही फॉर्मूला रिलेटिविस्टिक का यूज होगा कि अब मुख्तलिफ हो जाएगा? पहली बात है मुख्तलिफ होना चाहिए। तो अब जो रिलेटिविटी का फॉर्मूला है वो बेसिकली वी थ्री इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू नहीं होगा, बल्कि वी वन प्लस वी टू ओवर वन प्लस वी वन, ये एक एक्स्ट्रा टर्म्स आ जाएगी। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले पे आपको वो इस बात पे ला सकता है कि आप ये बताएं कि किस तरह आप रिलेटिविस्टिक रिलेटिव मोशन की स्पीड निकालेंगे फॉर द रिलेटिविस्टिक स्टफ। एज आई सेड अर्लियर कि ये जरूरी होता है नए फॉर्मूले के लिए पुराने फॉर्मूले को वैलिडेट करना, तो वो कहता है पहली स्पीड थोड़ी ले लें, दूसरी स्पीड भी थोड़ी ले लें, ये जो नीचे वाला फैक्टर ये वन बन जाएगा। तो ये वही फॉर्मूला जो कि न्यूटन में हम पढ़ चुके हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में। तो इट्स नॉट एन एनीथिंग न्यू बट इट्स क्वाइट पॉसिबल, और इस पे हम क्वेश्चन करेंगे भी। फोटोन अगर दो मूव कर रहे हैं रिलेटिव स्पीड से तो बताएं वो किस लिहाज से मूव करेंगे इन दैट कॉन्टेक्स्ट। Okay, so this is another formula. You can put it in your dictionary. Okay, relative speed for two objects moving with speed comparable to speed of light. Okay, this is another proof ke jo hamara GPS system hai, agar aap usme relativistic effect ko add na kare to aapki accuracy maximum nahi ho sakti. To relativistic effect dalne se hi aapki jo accuracy hai wo attain hoti hai, 20 centimeter per second tak chali jati hai. To it's mean it's there. Okay, so then there is a concept of light cone. Light cone basically क्या है कि आप की basically interval एक term use होती है, उसकी graphic representation है जिसमें हम future, past और present को deal कर रहे होते हैं with respect to casuality. Casuality basically हम करना चाह रहे हैं जिसके लिए मैं जैसे ये light cone आपको दिखा रहा हूँ, एक cone है जिसके जिसको हम draw करते हैं space time diagram में। एक्स एक्सिस पे आपका स्पेस है और वाई एक्सिस पे सी टी है यानी टाइम है, तो उसमें जो आपका मेन पॉइंट ओरिजिन होगा वो आपका प्रेजेंट होगा, उसके बाद आप जो कुछ है वो आपका फ्यूचर है, और उससे जो भी पहले हो चुका है वो पास है। सिंपल हम जो अंडरस्टैंड करते हैं, जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ प्रेजेंट है, इससे पहले जो कुछ हो चुका है मेरा पास है, जो कुछ बाद में होगा फ्यूचर है। कैजुअलिटी प्रिंसिपल बेसिकली इससे रिलेट हम करेंगे, तीन ही केसेस हम देखते हैं कि अगर हम, पहला केस है हमारे पास, अगेन दिस थिंग हैज बीन आस्क्ड इन इंटरव्यू एज वेल, सो इसलिए मैं इसे डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर स्पीड ऑफ लाइट आम स्पीड के ऑब्जेक्ट से ज़्यादा हो तो उसको हम कहते हैं टाइम लाइक इंटरवल्स, अगर स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो तो उसे हम कहते हैं लाइट लाइक इंटरवल्स, और अगर स्पीड ऑफ लाइट स्पीड के मुकाबले में हमारे आम ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो तो उसे हम कहते हैं स्पेस लाइक इंटरवल। तो ये तीन केस बनते हैं।
अगेन आई विल रिपीट, और इसमें थोड़ा सी चीज़ें ऐड भी कर देता हूँ कि ये जो पहला केस है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, ये हमारी आम जिंदगी है, डेली लाइफ कैसे ही होता है हमारी डेली लाइफ में, कि जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में बहुत कम है, तो हमारे जो आम डेली लाइफ फिनोमिना जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो कौन से हैं, वो टाइम लाइक है। फोटोन, फोटोन कौन सा फॉलो करता है, फोटोन करता है ये वाला कि जिसमें स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट है, तो फोटोन के लिए है, और उसको हम क्या कहेंगे, इसलिए उसे क्योंकि फोटोन की स्पीड के बराबर है, इसे हम उसे लाइट लाइक कहते हैं, और उसके लिए जो एंगल है वो बनता है 45 डिग्री। तो ये इटसेल्फ एक एमसीक्यूज है कि लाइट लाइक इंटरवल्स के लिए जो आपकी स्पेस टाइम डायग्राम है उसमें एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री। जो आपका डेली लाइफ या टाइम लाइक ऑब्जर्व फिनोमिनाज है उसमें एंगल कितना बनेगा, ग्रेटर देन 45 डिग्री। और जो तीसरा केस है जिसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा होगी, वो आपका केस होगा लेस देन 45 डिग्री, और उसे हम कहेंगे स्पेस लाइक इंटरवल्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो सकती है, तो थ्योरेटिकली जी हो सकती है, और उसको बल्कि हमने नाम भी दिया हुआ है, और उसको कहते हैं टैकियोंस। टैकियोंस आर दोज पार्टिकल विच इफ डिस्कवर्ड समहाउ तो दे विल हैव अ स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है स्पेस टाइम डायग्राम में, अगर आप डिफरेंट इवेंट्स ड्रॉ करें लाइट कोन की बेस पे, तो तीन तरह के इवेंट बनते हैं। एक होता है जिसमें स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से कम है, मतलब आम जिंदगी जो हम डेली रूटीन में गुजार रहे हैं, एक बाइक जा रही है तो उसमें स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से कम है, उसको हम कहते हैं टाइम लाइक इंटरवल्स। दूसरा केस है जिसमें स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, जिसको हम कहते हैं लाइट लाइक इंटरवल, जस्ट लाइक फोटोन्स, फोटोन्स की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। और जो तीसरा केस है वो अगर डिस्कवर हो ऐसे पार्टिकल जिनकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा है, नोन एज टैकियोंस, तो वो हमारा इंटरवल है 3। और इसको स्पेस टाइम डायग्राम में हम एंगल्स की शक्ल में भी देख सकते हैं। अगर एंगल 45 है तो इट्स मीन स्पीड हम फोटोन की बात कर रहे हैं, अगर एंगल 45 से कम है तो इसका मतलब हम टैकियोंस की बात कर रहे हैं, और अगर एंगल 45 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है हम डेली लाइफ फिनोमिनास की बात कर रहे हैं। तो दिस इज द कैजुअलिटी प्रिंसिपल, कॉज इफेक्ट प्रिंसिपल। ओके, यहाँ तक मैं आपको जस्ट रैप अप करवाता हूँ, क्योंकि आगे हमारा जो टॉपिक है वो बिल्कुल चेंज हो रहा है। यहाँ तक हमने सिर्फ, अगर मैं इसको समराइज करना चाहूँ तो सिर्फ हमने ये चीज़ पढ़ी, इसका पास्ट और इसका कॉन्सिक्वेंस। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का पास्ट क्या है, कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से पहले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन थी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूलाज स्पीड, थोड़ी स्पीड्स के लिए बड़े ठीक थे, लेकिन जब आपने उसको मैक्सवेल इक्वेशंस पे लगाया तो जो इनवेरियंस का प्रिंसिपल था वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। अब उस वक्त यही क्वेश्चन था, या तो मैक्सवेल इक्वेशंस गलत हैं या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन गलत है, तो दे सॉर्टेड आउट के गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लिमिटेड है, जिसकी अपडेटेड फॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल थी विच आर नोन एज लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें एक गैमा फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और इस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को स्पेशल केस में आप गैलीलियन बना भी सकते हैं। सो इट्स मीन के गैलीलियन ठीक है लेकिन लिमिटेड है। अब इसका फ्यूचर क्या है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को अगर आप कॉन्सिक्वेंस देखें, इसको आप स्टडी करें, तो आपके पास सबसे पहले आता है टाइम डायलेशन का केस, मूविंग क्लॉक्स रन स्लो, फॉर्मूला इज अवेलेबल, और ये इसका प्रूव है कि वाकई ही ऐसा होता है। द सेकेंड केस इज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, कि ऑब्जेक्ट्स की जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इस पर एक एमसीक्यूज आप यहाँ पर नोट डाउन कर लें कि जो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी, length contracts in direction of motion, but there will be no contraction perpendicular to direction of motion. मैंने जैसे example दी थी कि आप एक stick spaceship में रख दे जो कि comparable to speed of light, let's suppose 0.8 times c से move कर रही है, तो अगर आप उसे परपेंडिकुलर रखें स्पेसशिप में तो उसकी लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा 90 डिग्री पे, लेकिन अगर उसे आप इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन रखेंगे तो फिर उसमें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके टेस्ट में भी आएगा, तो फिर उसकी जो लेंथ है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो। जस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत है। इसी तरह मैस
रिलेटिविस्टिक मास भी क्या है कि जब आप रिलेटिविटी से रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव कर रहे होंगे तो आपके लिए मास जो है वो चेंज होगा, और वो मास किस फॉर्मूले से चेंज होगा वो यहाँ पे मेंशन है। ये जैसा हम आगे मजीद दोबारा एक दफा देखते हैं, यू कैन स्किप इट। अब जब ऑब्जेक्ट स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहे हों तो उसके जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। दिस इज अगेन कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ही पढ़ रहे हैं, और ये भी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से ही मुतल्लिक है कि सब कब स्पीड ग्रेटर दैन स्पीड ऑफ लाइट होगी और कब स्पीड ग्रेटर लेस दैन स्पीड ऑफ लाइट होगी, और उसको क्या नाम देते हैं, टाइम लाइक, स्पेस लाइक, लाइट लाइक। तो बड़ा आसान सा एमसीक्यू है। व्हाट फॉर द स्पेस लाइक इंटरवल्स, व्हाट इज द रिलेशन फॉर स्पीड ऑफ लाइट विद द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, सो वी इज ग्रेटर दैन सी। सेम फॉर लाइट लाइक एंड टाइम लाइक, एंड एंगल भी पूछ सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, विच इज बेसिकली, पहले उससे हम एक फर्क देखते हैं, ये ऊपर आपके पास डेफिनेशन है। इक्विलिब्रियम स्पेस में बेसिकली हम थ्री डायमेंशन को डिस्कस करते हैं, स्पेस लाइक, लेकिन मिनकोस्की स्पेस में हम टाइम को भी एज अ डायमेंशन कंसीडर करते हैं। और लॉरेंस फार्मूला हमें क्या देता है कि टाइम भी चेंज होता है। सो हमें ज़रूरत है कि हम ऐसी स्पेस को डिस्कस करें, मैथमेटिकल फार्मूलिज्म को डिस्कस करें जिसमें टाइम एक अपनी हैसियत रखता हो, क्योंकि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम एक अपनी हैसियत रखता है। टी इज इक्वल टू गैमा टी माइनस गैमा वी ओवर सी स्क्वायर, व्हाटएवर द फॉर्मूला इज। सो फिर हम बेसिकली मिनकोस्की स्पेस में आ जाते हैं, और उसको हम कहते हैं फोर डायमेंशन या वन प्लस थ्री डायमेंशन। तो वन बेसिकली किसको शो कर रहा है, टाइम को, और थ्री किसको शो कर रहा है, स्पेस को। तो थ्री स्पेस वही है जो कि हम पहले पढ़ते हैं, नो चेंज, लेकिन जो वन है वो बेसिकली यहाँ पे टाइम है। और इसको हम किस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, ये टेंसर की जबान है, जो कि आप अगर नहीं भी जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट डज यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि इसमें टर्म्स क्या है। तो ये देखिए, ये जो पहले तीन है, ए एक्स, ए वाई, ए जी, जिसको हम वेक्टर ए से लिख रहे हैं, तो ये क्या कोई नई चीज है? नहीं है, ये वही है, यूक्लिडियन स्पेस चैप्टर टू वेक्टर्स एफएससी, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। ये जो फोर्थ है, ये टाइम वाला, जो कि जीरोथ कंपोनेंट हमेशा के लाएगा, ये आ गए, और ये हमेशा स्केलर होगा। तो इसको जब आप इसका सेट बनाएंगे तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, फोर वैक्टर्स, इसलिए एंड वन प्लस थ्री, क्योंकि टाइम अलहदा है और थ्री कंपोनेंट अलहदा है, और उन तीनों को आप इकट्ठा लिख सकते हैं एक्स वाई जी, लेकिन टाइम को हमेशा ज्यादा ही लिखना पड़ेगा। सो वन प्लस सी, सो आई होपफुली इसमें कोई मसला नहीं है, यानी बेसिक हमारी वेक्टर्स की जो जबान है उसमें हमने एक एडिशनल कंपोनेंट ऐड कर दिया, और वो एडिशनल कंपोनेंट कौन सा है, वो टाइम का, और वो हमेशा जीरोथ कंपोनेंट होगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपल, जिस तरह हमने बाकी सारी फिजिक्स में पोजिशन, स्पीड, एक्सलरेशन, फोर्स के फॉर्मूलाज पढ़े, उसी तरह सेम फॉर्मूला हम अब दोबारा बनाएंगे, लेकिन अब किसके लिए बनाएंगे, फोर स्पेस के लिए। इससे मुराद क्या है कि हम सबसे पहले हमेशा पोजीशन आती है, तो पोजीशन देख लेते हैं। तो दिस इज फोर पोजीशंस, कि एक्स म्यू बेसिकली क्या है, फोर पोजीशन है, और ये इसका टाइम कंपोनेंट है, और ये इसके तीन कंपोनेंट एक्स वाई जेड। तो ये एक्स वाई जेड कोई नई चीज तो नहीं है, एक्स वाई जेड तो वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, एक्स कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस वाई जे। अब सी टी, ये भी कोई नई फॉर्मूला तो नहीं है, हमें पता है कि वी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स ओवर टी। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वी अगर स्पीड ऑफ लाइट ले लेते हैं तो वी टी, जिसको मैं लिख सकता हूँ सी टी। तो ये बेसिक टाइम कंपोनेंट लिखा हुआ है, कोई नई चीज तो नहीं लिखी हुई, तो इस बेसिक मैथ, लेकिन जस्ट क्या है कि हमने उसको कंबाइन कर दिया, जीरोथ कंपोनेंट टाइम को दे दिया और अगले जो तीन कंपोनेंट है वो हमने पोजीशन को दे दिया। अब अगला स्टेप देखें कि उसने जो ऊपर वाला म्यू था उसको नीचे लिख दिया, इसको कंट्रा और को कहते हैं टेंसर की जबान में। आप फिलहाल इसको उस तरह ना भी लें, डीपली मसला नहीं है, फर्क सिर्फ ये होगा क्योंकि टाइम स्केलर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वैक्टर जो है उनकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, यानी नेगेटिव वह वैक्टर जिसे आप कहते हैं कि एक्स y z माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जी होते हैं। और जब इसको आप इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो ये बेसिकली इंटरवल है, जिसको मैंने आपको कहा था कि हम इंटरवल को ड्रॉ करते हैं लाइट कोन के लिए, तो यही बेसिकली लाइट कोन बनता है। अगर इसको आप ड्रॉ करें तो आपके पास लाइट कोन बन जाएगा।
ये होगी फोर वेक्टर्स, और फोर वेक्टर में पहला आ गया फोर पोजीशन. लेट्स मूव अहेड. फोर वेलोसिटी, तो क्योंकि अगर आप एफएसए की बुक रिकॉल करें तो कैसा होता है, पहला टॉपिक पोजीशन का चैप्टर थ्री में, अगला टॉपिक वेलोसिटी का, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, फिर अगला टॉपिक एक्सेलरेशन का, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, फिर फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए, फिर पावर एंड मोमेंटम. तो सेम वही काम हम कर रहे हैं. तो कैसे निकालेंगे, अगर आप टाइम डेरिवेटिव ले लें पोजिशन का, पोजिशन फोर वैक्टर्स का, तो आपके पास स्पीड फोर वैक्टर्स आ जाएंगे. तो वो बेसिकली ये है, हमें डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है. बाकी तो वही है, वी एक्स वी वाई वी जी, नथिंग स्पेशल. लेकिन जो चीज़ ये आई है जीरोथ कंपोनेंट, वो है गैमा सी. गैमा क्या है, वन ओवर वन माइनस बीटा स्केयर होल अंडर रूट, जो हम शुरू में पहली स्लाइड में देख चुके हैं, और साथ में सी. तो स्पीड का जो टाइम कंपोनेंट है वो सी नहीं है, सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, बल्कि स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई बाय गैमा है. तो ये आपसे पेपर में एमसीक्यू सिंपल आसान से पूछा जाएगा. आप देखें ना, पोजीशन कंपोनेंट तो नहीं भी पूछेगा, वो तो आपको पहले ही पता है. तो सिंपल पूछेगा, द टाइम कंपोनेंट ऑफ फोर स्पीड इज, ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी गैमा सी, ऑप्शन सी सी ओवर गैमा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो यू विल गो विद सी, इट्स अ कॉमन सेंस. लेकिन रिलेटिविटी इज नॉट रिलेटेड टू कॉमन सेंस यूजली, सो इट्स गैमा सी, के हम उस सी को गैमा फैक्टर के लिहाज से स्टडी करेंगे. और इसी तरह हम फिर फोर एक्सेलरेशन पे जा सकते हैं, फोर मोमेंटम पे जाएंगे, फोर फोर्स पे जाएंगे. तो अगेन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीरोथ कंपोनेंट. तो जीरोथ कंपोनेंट मोमेंटम का है एम सी, नथिंग स्पेशल. मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम वी. तो जीरोथ मोमेंटम क्या होगी, वी की जगह सी आ गया, बस नथिंग स्पेशल. और इस तरह फोर फोर्स के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास यूनिक है, विच इज टाइम डेरिवेटिव ऑफ मास मल्टीप्लाई बाय सी एंड देन गैमा. लेकिन इसको अगर आप अगेन फॉर्मूला में देखें, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ये भी कोई नई चीज नहीं है. ऊपर से अगर आप पी ये वाली वैल्यू दर्ज कर देंगे, ये वाली, तो m आ गया dm ओवर dt, और ये c बाहर चला गया और गैमा साथ आ गया. That's it, totally fine. So, ये जो zeroth component है ये आपको पूछे जा सकते हैं. ये एक छोटी सी डेरिवेशन है जिसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है. किया क्या है, ये सिर्फ हमें समझने की जरूरत है कि उसने क्या किया है. इनर प्रोडक्ट लिया है फोर वेलोसिटी का फोर फोर्स के साथ, यानी उसके उसको मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट किया, व्हाटसोएवर. हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं, हमें जो ताल्लुक है वो रिजल्ट के साथ है, वो ये है एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर प्लस टी, जिसको हम अगली स्लाइड में देखते हैं. तो ये बड़ा फेमस फॉर्मूला है, और वो ये है आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन. तो असल आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन ये है, जो कि रिलेटिविस्ट में बनाई गई, इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर. जो हम पढ़ते हैं एम सी स्केयर, वो इसी की स्पेशल फॉर्म है. लेकिन असल जो फोर एनर्जी मोमेंटम रिलेशन है वो ये है. और इस यही वजह है कि फोटोन मैसलेस पार्टिकल है, इज इक्वल टू एम सी स्केयर के मुताबिक क्या है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास नहीं है तो उसकी एनर्जी भी नहीं है. लेकिन फोटोन की जो एनर्जी होती है, लाइट की भी एनर्जी होती है, तो वो कहाँ से आती है, वो इस फॉर्मूले से आती है. ये असल फॉर्मूला है. वो ये कहता है कि अगर मास लेस पार्टिकल भी है तो उसके पास सी स्केयर पी स्केयर तो है ना. मैस लेस के लिए एम नॉट जीरो हो गया, तो ये बच गया. मोमेंटम भी है, स्पीड ऑफ लाइट भी है, सब कुछ है. तो इसी वजह से फोटोन की एनर्जी होती है, फोटोन की वेवलेंथ होती है, एंड सो एंड सो फॉर. तो ये मैस एनर्जी इक्वेशन जो है आइंस्टाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पिछली दफा पूछी गई है, इसकी असल फॉर्म क्या है. तो ये फॉर्म है कि E इज इक्वल टू एम सी स्केयर था, उसका स्केयर है ई का स्केयर, और साथ पी सी का स्केयर है. So there is a comparison of special theory of relativity with general theory of relativity. Special theory of relativity में हम inertial frame की बात कर रहे होते हैं. Inertial frame से मुराद जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई हो. ये स्पीड ऑफ लाइट से डील करता है. ये पासोलेट्स हमने देखे हैं कि invariant रहे, laws of physics और speed of light same रहे.
इसके इफेक्ट्स हमने पढ़े, टाइम डिलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मास वेरिएशन, ये इसकी कॉन्सिक्वेंसेज हैं। जो दूसरी आइंस्टाइन ने दी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये टाइम भी पूछा जा सकता है क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं कि स्पेशल रिलेटिविटी 1905 में आई जबकि जनरल रिलेटिविटी 1916 में। इसके बारे में आइंस्टाइन ने अपने ख्याल एक पेपर की शक्ल में दिए। अब जनरल रिलेटिविटी किस चीज़ को डिस्कस करती है? जनरल रिलेटिविटी डिस्कस करती है ग्रेविटी को, ब्लैक होल को। अगर आप एक इंटेंस ग्रेविटी के पास जाएं तो क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट से आप मूव कर रहे हैं, ठीक है, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट है, लेकिन इंटेंस ग्रेविटी के पास से गुजरें तो क्या होगा? तो वो फिर बेसिकली आपके पास जनरल रिलेटिविटी में डिस्कस किया गया, जिसमें नॉन इनर्शिया फ्रेम होगा। नॉन इनर्शिया से मुराद है एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे पेपर है और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में 1916 में है। तो ये नॉन इनर्शिया फ्रेम को डिस्कस करता है, इसमें हम ग्रेविटी की बात करते हैं, और इसमें वो जो डिस्कशन है वो ये है कि ग्रेविटी से लाइट बेंड होती है, ग्रेविटी कैन बेंड लाइट। और इसमें क्या था, मूविंग क्लॉक्स रन स्लो, टाइम डिलेशन यही था ना, मूविंग क्लॉक्स रन स्लो। दूसरा इसका वर्जन है कि ग्रेविटेशनल, जहां पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा है वहां पे भी जो क्लॉक्स हैं वो स्लो हो जाएंगे, यानी जब आप ब्लैक होल के पास से गुजरे, अगर कभी आपको इत्तफाक हो ऐसा, तो आपके लिए जो क्लॉक्स हैं वो बहुत स्लो हो जाएंगे, इतने स्लो हो जाएंगे कि शायद रुक ही जाए। अच्छा, ये जो इसका पॉइंट था ग्रेविटी कैन बेंड लाइट, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस एक पैराग्राफ में। मैं आपसे अगर पूछूं कि शॉर्टेस्ट बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है, तो आप सिंपली ये मुझे लाइन बताएंगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये है इक्विलिब्रियम स्पेस, थ्री डायमेंशन स्पेस, जिसमें हमारे पास पोजिशन है, हमारे पास टाइम की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन हमारे पास अगर मिनकोस्की या रिमेनियन स्पेस की बात करें तो ये चीज ठीक नहीं है, दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसकी मिसाल आप ले सकते हैं सेब की, एक आप सेब इमेजिन करें, एप्पल, और उसके ऊपर दो पॉइंट्स लगाएं डिफरेंट पॉइंट्स पे, यानी एक लेट्स सो फ्रंट फेस पे और एक बैक फेस पे, और आपका कहा जाए कि बताएं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है इन दोनों के दरमियान, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी वो कोई कर्व्ड पाथ होगा जो कि ऊपर वाली सरफेस से गुजरता हुआ है। तो वो जो शॉर्टेस्ट पाथ है कर्व्ड सरफेस के लिए, यहाँ पे भी कर्व्ड पाथ का जिक्र है, इसको हम कहते हैं ज्यूडेसिक। तो सिंपल ज्यूडेसिक की क्या तारीफ है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ कर्व्ड पाथ इज नोन एज ज्यूडेसिक। और ये हम पढ़ते क्यों है कि जो रे ऑफ लाइट है वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करती है, लेकिन हमारा स्पेस टाइम कर्व्ड है ग्रेविटी की वजह से, सो लिहाजा जो रे ऑफ लाइट है दो पॉइंट्स के दरमियान वो स्ट्रेट लाइन भी फॉलो कर सकती है और वो कर्व्ड पाथ में भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉलो कर सकती है। तो उसके लिए जो बेहतरीन वर्ड होगा वो होगा ज्यूडेसिक। तो रे ऑफ लाइट फ्रॉम पॉइंट टू ए टू बी फॉलोज अ पाथ नोन एज straight line, it may be but not always, so the best name or the best term for it is a geodesic. So geodesic equation bhi hai aur lambi sari iske piche physics hai, lekin humne usme nahi jana. Hamare liye zaruri hai samajhna ki kyunki gravity ki wajah se jo Einstein ka space time fabric ka concept hai, ye jaise aap niche dekh bhi sakte hain ki iske ird gird wala area bend hai. अब इस बेंडिंग के दौरान जब लाइट गुजरेगी अर्थ की एक साइड से दूसरी साइड की तरफ, इसको हम यूं बना भी सकते हैं, यहाँ से गलत लाइट आ रही है और यूं वो मूव होके जाएगी, तो वो जो ये पाथ होगा ये सीधी लाइन तो नहीं होगी, तो ये पाथ बेसिकली ज्यूडेसिक होगा। और ये जब सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण होते हैं तो इसी वजह से बेसिकली हमें कुछ लाइट नज़र आ रही होती है, क्योंकि लाइट स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं करती, लाइट ज्यूडेसिक पाथ में वो करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ज्यूडेसिक।
अब हम इसके एक और टॉपिक को डिस्कस करते हैं, विच इज दिस पॉइंट। ये सब हमने इनसे पॉइंट्स को डिस्कस करना, ये हमने कर लिया कि ग्रेविटी कैन बैंड लाइट और बैंड कैसे करेगी जुरासिक पार्क में। अब जो हम नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं वो है ये पॉइंट्स कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में ग्रेविटी या मास पे क्या इफेक्ट होता है। तो उसके लिए हम मास का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो तीन तरह के मास का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। पहला मेन है इनर्शियल मास, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो ग्रेविटेशनल मास है। बाज जगह पे ग्रेविटेशनल मास के भी दो पॉइंट्स हो जाते हैं, पैसिव और एक्टिव, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास। इन दोनों में क्या क्या ये तीनों चीजें डिफरेंट होंगी, दोनों कह लें या तीनों कह लें, जब हम इंटेंस ग्रेविटी पे मूव कर रहे होंगे? तो नहीं, ये तीनों चीजें सेम होंगी। इसका प्रूव है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल इक्विवेलेंस, और ये जनरल रिलेटिविटी का पास्टुलेट भी कहते हैं इसे। तो उसकी कंक्लूजन ये है कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन का कोई डिफरेंस नहीं होता, तो लिहाजा ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास जो है वो इक्विवेलेंट होंगे। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, दिस इज अ पास्टुलेट ऑफ जनरल रिलेटिविटी। और इधर से एक यूजली एमसीक्यूज पूछा जाता है, द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल मास टू इनर्शियल मास इज अंडर रूट 2, 1 बाय अंडर रूट 2, 0। सो क्योंकि ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास सेम है, तो रेशियो क्या होगी? 1। मैं इसे लिख देता हूं यहां पे, द रेशियो ऑफ इनर्शियल मास टू ग्रेविटेशनल मास और वाइस वर्सा इज 1। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है जो कि यहाँ से पूछा जा सकता है, प्रिंसिपल इक्विवेलेंस की बेस पे। प्रिंसिपल इक्विवेलेंस भी पूछा जा सकता है। सो और ये ज़रूरी क्यों है? ये इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इस चीज़ को कंक्लूड कर सकें कि जनरल रिलेटिविटी में हमने कौन सा मास लेना है, क्योंकि इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास में फ़र्क नहीं है, तो जो भी ले लें रिजल्ट्स आपके सेम रहेंगे। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब हम जा रहे हैं कॉस्मोलॉजी की तरफ। हमारा जो ये पोर्शन था ये जनरल रिलेटिविटी का था, सिर्फ हमने जनरल रिलेटिविटी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस किए हैं कि ग्रेविटी कैन बेंड लाइट, ये जो पॉइंट है ये वाला, इसको थोड़ा डिस्कस किया, इससे क्या मुराद है। तो उस पर हमने एक टर्म पढ़ी ज्यूडेसिक, ठीक है। फिर हमने ये जो दो पॉइंट थे, क्योंकि नॉन इनर्शियल मोशन है तो क्या इसमें कोई इफेक्ट होगा मैस का, इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मैस का, तो हमने देखा कि कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो दैट्स इट, पूरी जनरल रिलेटिविटी यही थी जो हमने करना। इससे पहले पहले जो हमने किया वो सारी स्पेशल रिलेटिविटी थी, जिसमें हमने इन तीन चीजों को ज्यादा डिस्कस किया, टाइम डिलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड मास वेरिएंस। हमने इन वेरिएंस पे लॉरेंस और गैलीलियन रिलेटिविटी को डिस्कस किया और कुछ उसके कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े। ओके, अब हम थोड़ा सा टेस्ट चेंज करते हैं, एंड विच इज द लास्ट टॉपिक एज वेल, दैट इज कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी बेसिकली क्या है? द स्टडी ऑफ कॉस्मोस, हमारी यूनिवर्स का मुताला। तो उसमें जो मोस्ट फेमस चीज हम पहले देखते हैं वो है हबल्ला। बेसिकली हबल्ला ने बताया कि जो गैलेक्सीज हैं वो रिसीड कर रही हैं या यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, और उसके लिए जो फॉर्मूला है वो बेसिकली वी इज इक्वल टू एच नॉट डी है, सिंपल फॉर्मूला। स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो दिस इज स्पीड हेयर, दिस इज डिस्टेंस हेयर, और ये जो कॉन्स्टेंट है ये हबल कॉन्स्टेंट है, नोन एज एच नॉट, और ये इसकी डायग्राम है कि अगर डिस्टेंस जो कि मेगा पार्सिक है उसको अगर आप स्पीड के मुकाबले में ड्रॉ करें तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आती है, और वो स्ट्रेट लाइन जो है वो कोफिशेंट है हबल कांस्टेंट का। तो यहाँ से मैं एमसीक्यूज अभी कर रहा हूँ, प्रपोज द स्लोप ऑफ स्पीड टू डिस्टेंस फॉर हबल लॉ इज इक्वल टू, तो दैट इज इक्वल टू हबल कांस्टेंट एच नॉट, क्योंकि स्लोप क्या होती है, द रेशियो ऑफ टू फिजिकल पैरामीटर। तो यहाँ पे रेशियो किया है स्पीड और डिस्टेंस की, तो v ओवर d इज इक्वल टू h नॉट, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हबल्ला बेसिकली हमने
कई दफा इसको डिस्कस किया हुआ है, या यूनिवर्स फैल रही है, ये ऐसी चीजें हम फिजिक्स में डिस्कस करते रहते हैं। ओके इसी को थोड़ा सा मजीद ब्रीफ किया गया कि इससे मुराद की एक्सपेंशन से। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि गैलेक्सीज एक्सपेंड नहीं कर रही, गैलेक्सीज वैसी ही हैं, यानी मिल्की वे नहीं बढ़ रही। मिल्की वे गैलेक्सी जिसका हम हिस्सा हैं वो एक्सपेंड नहीं कर रही, उस स्पेस जिसमें ये मौजूद है वो एक्सपेंड कर रही है, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि लेट्स सपोज इन गैलेक्सीज के दरम्यान अगर डिस्टेंस इतना था तो स्पेस के एक्सपेंशन के बाद वो डिस्टेंस बढ़ गया, तो जिससे हमें ये लग रहा है कि गैलेक्सीज रिसीड कर रही हैं, गैलेक्सीज मूव कर रही हैं, लेकिन बेसिकली स्पेस मूव कर रही है। तो उस स्पेस के मूव करने की वजह से उसके अंदर जो कुछ है वो बेसिकली मूव कर रहा है। गैलेक्सीज फिक्स हैं अपने पॉइंट पे, जो भी उनकी जगह है। सो गैलेक्सीज आर नॉट एक्सपेंडिंग बट द स्पेस इज एक्सपेंड। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो नोट डाउन करने के लिए है अबाउट हबल्स लॉ। तो ये उसने एक छोटी सी कैलकुलेशन की थी कि अगर हम ये छोटी सी एक एक्सपेरिमेंट करें तो हम एज ऑफ यूनिवर्स निकाल सकते हैं, जो कि उसने 14 बिलियन साल निकाला है। कोई इसके आगे पीछे भी रफ अबाउट, कोई 10 बिलियन भी ये कैलकुलेट करता है, कोई 20 बिलियन भी कैलकुलेट करता है। ये एक आपको एक एवरेज वैल्यू देता है कि इट विल बी अराउंड 10 to 20 बिलियन ईयर्स। 1 बिलियन ईयर आंसर नहीं है, 10 to 20 बिलियन ईयर्स। और वो सिंपल आप ये जो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा टी इज इक्वल टू डी ओवर वी, तो हबल कांस्टेंट की वैल्यू दर्ज करें और वहां से आप ये निकाल सकते हैं। द कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल, ये भी पिछली दफा पीपीएससी में पूछा गया, इसलिए हम इसको डिस्कस करें। जस्ट इसके पूछा गया था कि ये स्टेटमेंट दी गई थी और पूछा गया था ये कौन सा प्रिंसिपल है। कॉस्मोलॉजी का प्रिंसिपल यही बताता है कि लार्जेस्ट स्केल पे जो लोकल यूनिवर्स की तमाम प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होंगी। मतलब आप अगर ऊपर बैठ के किसी स्पेस में दुनिया को देख रहे हो तो आपको मोर लेस वो सेम नजर आएगी, हालांकि नीचे जो है लोकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, संडे को मैंने छुट्टी की, हफ्ते को मैं कॉलेज गया, लेकिन ग्लोबली अगर आप किसी और प्लेनेट पे बैठ के देख रहे हैं तो आपको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मोर और लेस ऑन अ लार्जर स्केल द लोकल यूनिवर्स हैज द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी थ्रू आउट द यूनिवर्स, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देन वी हैव द प्रिंसिपल ऑफ एसोट्रॉपी, के तमाम डायरेक्शन में आपको मोर लेस सेम नजर आएंगी। और आइसोट्रॉपी का मतलब होता है प्रॉपर्टीज का हर डायरेक्शन में सेम होना, एन आइसोट्रॉपी का मतलब है डायरेक्शन चेंज होने से प्रॉपर्टीज का चेंज हो जाना। एंड देन वी हैव द यूनिवर्सैलिटी, द लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, जो कि हम पासुलेट्स ऑफ रिलेटिविटी में भी पढ़ चुके हैं। तो ये स्टेटमेंट बेसिकली आई थी कि द लोकल यूनिवर्स हैज द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी थ्रू आउट द यूनिवर्स, इट लुक्स सेम इन एवरी डायरेक्शन, एंड ऑल द फिजिक्स लॉज आर सेम एवरीवेयर। तो दिस इज व्हाट प्रिंसिपल, दिस इज कॉस्मोलॉजी का प्रिंसिपल। ओके, डार्क मैटर एक कॉन्सेप्ट है कि जो दुनिया का जितना भी मैस है हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये उतना मैस नहीं है जितना कि कैलकुलेटेड होना चाहिए, जिसे क्रिटिकल डेंसिटी कहते हैं, इससे कम है। तो बाकी मास कहाँ से है या बाकी मास कहाँ पे है, तो उसको हम कहते हैं डार्क मैटर, के वो मैटर है लेकिन हमें नजर नहीं आता डायरेक्टली। इनडायरेक्टली हम देख लेते हैं, ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक टेक्निक है, इस पे भी अगर आप सर्च करना चाहें कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। इसके थ्रू हमें पता लगता है कि हमारी जो जमीन का मैस या यूनिवर्स का मैस है वो उतना नहीं है जितना कि हमें नजर आ रहा है, उससे ज्यादा है, जो कि ग्रेविटेशन लेंसिंग में तो हमें ऑब्जर्व होता है लेकिन हम आम आंख से नहीं देख सकते। तो क्योंकि आम आंख से नहीं देख सकते तो उसे हम डार्क मैटर कहते हैं। ओके, तो ग्रेविटेशन लेंसिंग यही उन्होंने खुद भी कह दिया था, कंटेन 10 times एज मच एज डायरेक्टली विजिबल। तो हमारे पास जितना मैस हमें नजर आ रहा है यूनिवर्स में, इससे 10 गुना ज्यादा है। अगेन, कॉस्मोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ कॉस्मोस, और उस तरह स्टडी ऑफ कॉस्मोस जितना हम शायद नहीं कर पाते, दे आर वियर्डो थिंग्स। तो लोगों ने इस पे थ्योरीज दी हैं कि किस तरह का मैटर पॉसिबल है अगर डार्क मैटर आता है। तो दो तरह के प्रपोज हैं, एक है मैचो, मैसिव कॉम्पैक्ट हैलो ऑब्जेक्ट, और दूसरा है विम्प,
वीकली इंटरेक्टिव मैसिव पार्टिकल्स। तो अगर किसी ने हिग्स बोसोन का नाम सुना है तो वो भी एक पार्टिकल है जिससे हमारे यूनिवर्स का जो इस वक्त मैस है उसकी वजह है। तो जो डार्क मैटर के मैस की वजह है इन पार्टिकल्स पे वो प्रपोज करते हैं। मैचो मैसिव कॉम्पैक्ट हेलो ऑब्जेक्ट, इसमें सिर्फ आपने ये देखना है कि ये स्टैंड फॉर किसके है और विम्प स्टैंड फॉर किसके है। इसकी जो थ्योरी है वो उस लिहाज से आपसे नहीं पूछी जाएगी। एंड वी आर ऑन टू द लास्ट टॉपिक देन, दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार, दिस इज आवर लास्ट टॉपिक फॉर कॉस्मोलॉजी, और इसको हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। तो ऑल द स्टार फॉर्म इन नेबुला, जो कि एक्सपेंड करता है लेकिन सारी जिंदगी नहीं कर सकता, वो स्टार के साइज पे डिपेंड करता है। तो ये पहला पॉइंट देखें यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, स्टार नेबुला है, वो एवरेज स्टार भी हो सकता है, मैसिव स्टार भी हो सकता है। सो इंटरेस्टिंगली जो मैसिव स्टार होगा वो जल्दी अपना फ्यूल कंज्यूम करेगा, और जो छोटा स्टार होगा वो लेट मैस अपना फ्यूल कंज्यूम करेगा। सो जो बड़ा स्टार है वो जल्दी डाई आउट होगा और जो छोटा स्टार है वो ज्यादा टाइम लेगा। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग दैट कैन बी आस्ड। जब उसका हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, हम फाइनल फेज की तरफ चले जाएंगे जो कि रेड जाइंट है, और रेड जाइंट के बाद क्या होगा वो डिपेंड करता है कि स्टार का साइज क्या है। तो बेसिकली हम इस पॉइंट पे वो बात कर रहे हैं कि ये रेड जाइंट फेस है, ये रेड जाइंट फेस है, कि फ्यूल बर्न होने के बाद वो या रेड जाइंट बनेगा या रेड सुपर जाइंट बनेगा। इसके बाद इट डिपेंड्स के वो साइज क्या है, जो सुपर जाइंट है वो सुपरनोवा बन जाएगा, उससे न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन सकता है, और अगर वो सिंपल रेड जाइंट है जो कि एवरेज स्टार से बना है तो आप उससे वाइट ड्वार्फ अस्यूम कर सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे हमारा सन है एक छोटा स्टार है इसीलिए वो ज्यादा देर निकाल पाया है, और जो मैसिव स्टार होगा वो सुपरनोवा बनाएगा और उसी से आपका ब्लैक होल फॉर्म हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली अ होल लाइफ साइकिल, एक नेबुला से लेकर एक ब्लैक होल या वाइट ड्वार्फ। तो फाइनल जो है वो या वाइट ड्वार्फ है, यानी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आगाज सबका स्टेलर नेबुला है, जो इख्तिताम है या अंजाम है वो वाइट ड्वार्फ है या न्यूट्रॉन स्टार है या ब्लैक होल है। और ब्लैक होल कब बनेगा, जब बहुत बड़ा स्टार अपना फ्यूल कंज्यूम करने के बाद, रेड सुपर जाइंट बनने के बाद आखिरी स्टेज उसकी ब्लैक होल हो। तो ये इंफॉर्मेशन मौजूद है, आप यहाँ से इसे गो थ्रू कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल, हमने इसको तीन हिस्सों में डिस्कस किया है। फर्स्ट वी हैव रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी, देन वी हैव अ बिट ऑफ जनरल रिलेटिविटी, एंड देन वी हैव अ बिट ऑफ कॉस्मोलॉजी। ये एक बड़ा लेंथी और डाइवर्स कोर्स है और इसे हम दो लेक्चर्स में भी कर सकते थे, लेकिन हमने एक में किया तो कुछ आपका दिमाग जो है वो फ्रीज हुआ होगा, लेकिन जब आप इसे दोबारा स्लाइड्स में या वीडियो में गो थ्रू करेंगे तो मज़ीद आपको बेहतर अंडरस्टैंड होगा। चीज़ों को इंतहाई सिंपल रखा गया, एक स्टोरी की शक्ल में चलाया गया कि गैलीलियन रिलेटिविटी क्यों ख़राब हुई या क्यों लिमिटेड इन स्कोप प्रूव हुई, लॉरेंस रिलेटिविटी के फॉर्मूलाज से कैसे हम टाइम डिलेशन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि टाइम एक अब एग्जिस्ट करता है अपनी हैसियत, तो हमें एक मिनकोस्की स्पेस को डिस्कशन करने की जरूरत है जिसमें टाइम एक डायमेंशन के तौर पे डिस्कस होगी। तो फोर वेक्टर्स, फोर पोजीशन, फोर वेलोसिटी, फोर एक्सेलरेशन, फोर फोर, जैसे कि हम आम फिजिक्स पढ़ते हैं, उनमें हमने कहा कि जो टाइम वाला पोर्शन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्पेशल रिलेटिविटी खत्म होगी। जनरल रिलेटिविटी में हमने सिंपल कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस किए, देखिए दो पॉइंट्स के दरमियान लाइट किस पाथ पे मूव करेगी, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बल्कि जुडेसिक पाथ होगा। मैसेस जो हैं वो सेम हैसियत रखेंगे, इनर्शियल और ग्रेविटेशनल, तो आप कोई भी ले सकते हैं अपनी जनरल रिलेटिविटी को स्टडी करने के लिए। दैट्स इज फॉर जनरल रिलेटिविटी। देन वी मूव टू द कॉस्मोलॉजी, इसमें भी हमने सिर्फ एक हबल ला पड़ा, एक हमने कॉस्मोलॉजी का प्रिंसिपल डिस्कस किया, और हमने स्टार्स किस तरह अपना पूरा टाइम स्पैम मूव करते हैं ये इस पे आया। एमसीक्यूज किस तरह आ सकते हैं,
गैलीलियन रिलेटिविटी के बारे में पूछा जा सकता है कि लॉरेंस और गैलीलियन रिलेटिविटी में क्या फर्क है, तो उसमें टाइम एब्सोल्यूट है गैलीलियन में, लॉरेंस में टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। फर्स्ट एमसीक्यूज, मेजर एमसीक्यूज। मैंने माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का आपको सजेस्ट किया, तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मैकेनिकल वेव नहीं है, ये पूछा जा सकता है। उसके अलावा हमसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डिलेशन के बारे में पूछा जा सकता है कि मूविंग क्लॉक्स रन स्लो, जो क्लॉक स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा होगा कंपेरेबल, उसके लिए स्पीड जो है वो टाइम स्लो हो जाएगा। जैसे मैंने पेंडुलम की मिसाल दी कि पेंडुलम अगर आप टाइम पीरियड मालूम कर रहे हैं एक स्पेसशिप में जो कि स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रही है, तो उसका टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि क्लॉक स्लो है तो टाइम ज़्यादा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा और वाइस वर्सा, इसे आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है लेंथ को, कोई भी आपको सिंपल वैल्यू दे के वो आपसे इन फॉर्मूला से कोई वैल्यू निकलवा सकता है। जीरोथ कंपोनेंट फॉर पोजीशन का, फॉर मोमेंटम का, फॉर फोर्स का, फॉर वेलोसिटी का क्या है, ये पूछा जा सकता है। आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन की असल फॉर्म, कंप्लीट फॉर्म, ई स्केयर इज इक्वल टू पी सी पी स्केयर सी स्केयर प्लस एम नॉट स्केयर सी फोर पूछा जा सकता है। फोटोन हालांकि मैसलेस पार्टिकल है, तो उसके पास मोमेंटम कहाँ से आता है, तो उसके पास मोमेंटम इसी वजह से आता है क्योंकि आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन में मोमेंटम मौजूद है। हम जो आम इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर पढ़ते हैं वो कंप्लीट नहीं है। जनरल रिलेटिविटी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिस्कस करते हैं, ये पूछा जा सकता है। द रेशियो ऑफ इनर्शियल मास टू ग्रेविटेशनल मास 1 होता है, ये पूछा जा सकता है। ज्यूडेसिक से क्या मुराद है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ कर्व्ड पाथ, और जो स्ट्रेट लाइन है उसे भी हम ज्यूडेसिक कह सकते हैं, वो स्पेशल केस होगा हमारे पास थ्री डायमेंशन का। ओके, सो उसके बाद हबल ला क्या है, हबल ला हमने बताता है कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही हैं, और गैलेक्सीज एक्सपेंड नहीं कर रही, यूनिवर्स स्पेस एक्सपेंड कर रही। हमारी एज कितनी है यूनिवर्स की, तकरीबन 10 से 20 बिलियन साल के दरमियान है। ये हबल कॉन्स्टेंट 1/h हबल कॉन्स्टेंट से हम इसे मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके पास स्टार्स की जो एज है यूनिवर्स, इसके बारे में पूछा जा सकता है। मैचो ये किसके स्टैंड करता है, विम्प से क्या मुराद है, ये किस पे स्टैंड करता है, ये हैं क्या, ये बेसिकली डार्क मैटर के कैंडिडेट पार्टिकल्स हैं। अगर डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है, डिस्कवर होता है, तो ये इनमें से एक कोई पार्टिकल होगा जो उसको स्टैंड करेगा एक्सपेरिमेंटली जब हमें मालूम हो जाएगा। तो दैट्स इट ओवरऑल, यानी तो आपके लिए थोड़ा सा ये रिगरस रहा होगा क्योंकि कई बच्चे शायद इसको पहली दफ़ा उस तरह लेके चल रहे होंगे, कोविड में भी कुछ लोगों का टाइम गुजरा है, लेकिन परेशानी वाली बात नहीं है। जैसा आप इसे दो पोर्शन में अगर देख लेते हैं रिकॉर्डेड वीडियो, या जो आपके पास स्लाइड शेयर की जा रही है, तो ईजिली डूएबल, यानी क्वांटम से तो ज़्यादा ईजिली ये डूएबल है, क्योंकि इसमें बिल्कुल हमने एक स्पेसिफिक सा मटीरियल तैयार किया है। और पीपीएससी में जो लास्ट टाइम क्वेश्चन आए हैं पिछले कोई समय ले 2020 में तो कोई आया नहीं उससे पहले, वो इन्हीं टॉपिक्स में से जो आपको टॉपिक करवाए गए हैं, सो यू आर मोर देन रेडी टू हैव अ गो एट, गुड लक फॉर दैट।